Kathleen, welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, मैंने recently podcast पर react किया था with Nadir Ali, engineer Mohammad Ali Mirza का. I found another podcast. आप में से किसी ने मुझे comment section में बोला था कि आप इस podcast पे भी react करो, तो मुझे इसके highlights मिले हैं. So that I get a gist of it कि इसमें क्या है, किस तरीके का ये podcast है. So I really admire the kind of thoughts जो वो propagate करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा. एंड उनकी बात, आई थिंक इट्स वेरी यूथफुल, इट्स वेरी लॉजिकल एज वेल. वो यूथ को काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं बातें, क्योंकि उनको समझ आ पाती हैं वो जिस तरीके से समझाते हैं. एंड आई फील ऐसे स्कॉलर्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन पीपल जिनकी बातें हम तक पहुँच ही नहीं पाती. सो आपके क्या व्यूज़ हैं, डू लेट मी नो द कॉमेंट सेक्शन पे. लो, ये तो हमारे इंस्टा हैंडल्स हैं, डू फॉलो अस, लेट्स गो. के मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर. किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और. कहने को तो ही सब का इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं टू डिफरेंट पॉडकास्ट जो कि रिकॉर्ड की गई हैं 3 सितंबर 2023 को संडे के दिन. पहली पॉडकास्ट हमारे राजा कैसर भाई, जिनका चैनल अपने नाम से है, कैसर अहमद राजा के नाम से है, उन्होंने रिकॉर्ड की है. और दूसरी पॉडकास्ट हमारे एकेडमी के मेंबर जैन भाई, इंजीनियर जैनुल आबदीन, जिनका अपने नाम से चैनल भी है और वो प्रोग्राम करते हैं दावत हक के नाम से. आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं. जजाक अल्लाह खैरा. पाक पोलमिक्स में हम बात करते हैं उन लोगों से जो कि माशरे पे एक सब्सटेंशियल इफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं. आज हम जिस शख्सियत से बात कर रहे हैं, इनके लिए किसी के दिल में नॉर्मल जज्बा या शदीद मोहब्बत है या शदीद एतराज़ है. इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, दारुल खिलाफत अच्छा नहीं लगता. इंजीनियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाहु खैरा. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद. राजा साहब, आपको हमारी एकेडमी में वेलकम है. अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें. 100 साल पहले किसी बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग को क्या कहा, उन्होंने उनके लिए क्या कहा, वो बातें किताबों में रहती, लेकिन प्रैक्टिकली एक इंटेलेक्चुअली लोग भी मान करते. आप खुद कहते हैं कि मेरे पास आने से पहले ब्रेलियों का नहीं पता था, कुछ मीन्स के जो किताबों में था वो किताबों का पता था, प्रैक्टिकल लोग भी नहीं था. लेकिन अगर आप उनको फिर दिमाग करा के उन्हीं चीज़ों के अंदर आप दोबारा समझ पाए. لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى آله. मेरा ख्याल है ये पहला क्वेश्चन ही अपने अंदर एक सुमित रखता है. तो मैं इसे मुख्तसर एक आम फैन बना के आपके सामने पूछा. अब वो मस्जिद किस फिरके को मिलनी, ये डिफाइन हुआ. जिन लोगों की पहुंच होती है वो अंदर रब्ता करके ना पता लगवा लेते हैं कि यहाँ पे मस्जिद है. वहां पे जाके वो एक मटका रख लेते हैं, दो सफ़े बिछा लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप 8-10 साल के बाद जब वहाँ जाए तो आपको 3-4 स्टोरी बिल्डिंग नजर आएगी बनी हुई, और एक फिरके का बार उसका लेबल लगा होगा और उस फिरके के मुताबिक वो लेके जाते हो. लेकिन साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि जो दूसरा फिरका वाला है वो पैरेलल में पहले तो झगड़ा करेगा उस मस्जिद को छीनने, फिर सीडीए उस झगड़े को मिटाने के लिए पैरेलल में उन्हें एक और मस्जिद दे दी. इस वक्त हर सेक्टर के अंदर बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया को अलग अलग मसाजिद उन्होंने दी है, और ये अलग मस्जिदें इसीलिए हैं कि वो एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के कायल हैं. आज का एक मॉडर्न इंसान जिनके बारे में आप जैसे लोगों को, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को बड़ी फिक्र है कि लोग इस्लाम से मुतनफर हो रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है. पढ़ा लिखा इंसान ये कहता है कि एक दीन है जो इतने टुकड़ों में बट चुके हैं, तो किस दीन को हम फॉलो करें, जबकि सारों के मेंबरों से ये भी बताया जा रहा है कि 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, प्लस ये भी बताया जा रहा है कि ये हैं जो जन्नती हैं, बाकी जो ये मस्जिदें आपको नजर आ रही हैं ये जहन्नमियों की हैं, ये बताया जा रहा है प्रैक्टिकली. किसी और जगह पाकिस्तान इसको हमने देख लिया, जब इसको नेशनलाइज किया गया था उसको भी हम देख लेते हैं. तो मेरा आपसे इख्तलाफ इसलिए होता है कि आपकी बात को मिस इंटरप्रेट करना सबसे ज्यादा आसान है, इसलिए आपको सुनने वाले हर आदमी का सेंस है. मैं क्लैरिफाई करता हूं, जब आप कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान इस्लाम सेक्टर से ज्यादा नजदीक होता है, जी देखिए मैंने जब उसको क्लैरिफाई किया कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, आप उन 22 मिनट की तरफ आए. मैंने जो जुमला बोला था मम्मी डैडी चीजों से कोई मसला नहीं हो, आप चाहे तो आपको पढ़ा. अच्छा मैं बताता हूँ,
मैंने जो बुनियादी बात पूछी वो उसके अंदर नहीं है ना, तो फिरका बाजी तो फिर स्टेट से ताल्लुक। अच्छा, अब आप स्टेट को रन करने के लिए बात कर रहे हैं, तो सूद की हुर्बत यकीनन इसके ऊपर तमाम इजमा है, इस पर किसी को मसला भी नहीं होगा, ना इसकी वजह से कोई किसी को मस्जिद में दाखिल होने से रोकेगा ना निकालने से। लेकिन हमारा इस वक्त मसला ये है कि जो नॉन स्टेट एक्टर बने हुए हैं हमारी मजहबी जमातें, जो दूसरों के साथ इख्तलाफ राय करने के ऊपर एक दूसरे को गुस्ताखे साहबा, गुस्ताखे अहले बैत, गुस्ताखे रसूल कह देते हैं और उनकी लाइफ को वल्नरेबल कर देते हैं, हत्ता कि हमारे उलमा को अपनी जान बचाने के लिए यूरोप और अमेरिका में जाना पड़ता है, वो वहां अपने आप को पीसफुल फील कर रहे हैं, यहां पे एक अहले हदीस ब्रेलवियो की मस्जिद में ऊंची आमीन कहते हुए डरता है, लेकिन वही अहले हदीस यूरोप अमेरिका में ब्रेलवियो की मस्जिद में जहां पीरों ने अपनी गद्दियां बनाई हुई है ऊंची आमीन कहते हुए नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि यहां इनके डंग निकले हुए हैं। तो ये टर्म्स है ना, तो जब मैं उसे क्लैरिफाई कर रहा हूं कि क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को वो वाली नजरियाती रियासत बनाया था जो हमारे उलमा क्लेम कर रहे हैं, ये उलमा तो इस रियासत के खिलाफ थे। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं, उस वक्त इस्लामिक रेवोल्यूशन के अमीन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पर्सनैलिटी थी ना मुसलमानों की, वो मौला मदनी थी। नहीं, नॉट एट ऑल। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा यूज किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके अलावा कायदे आजम की 90 स्पीचेस का तो मैंने एनालिसिस किया, बड़े क्लियर थे कि कोई सेक्युलर पाकिस्तान नहीं बनने जा रहा, ये एक इस्लामिक फकीर रियासत बनने जा रही है जिसमें बाकियों को भी इजाजत होगी। जब सबज पगड़ियों वाले रैविंड मरकज में जाके तबलीग करेंगे, सरकार रुक जाए ना, अभी तो बात शुरू हुई है। जैसे जब यानी पापा जानी अपना मदनी काफला लेके रायविंड जाएंगे, तो रायविंड के लोग इस्तकबाल के लिए रोड पे खड़े होंगे कि इस्लामी हुकूमत आ गई, आए आप हमारे मरकज में आके बात करें। तो इसको तो कुफर समझते हैं हमारे दीनदार जो इस दीन के अमीन है 1857 के बाद, वो तो इसको कुफर समझते हैं। मैं आपसे मैं समझता हूँ कि बेहतर जुमला ये हो सकता है कि कुछ इसको कुफर समझते हैं, यूनिवर्सिटी से अगर होता तो कुछ नहीं समझते, यूएसएमडी में बैठे वो नहीं समझते, बस वो नहीं समझ। चले हाँ बिल्कुल, वो नूपुर शर्मा वाला क्लिप भी बना हुआ है, उसमें क्या नबी ये पूछते हैं कि क्यामत का दिन कब आएगा, फरमाओ जिस दिन तुम्हें आग पे तला जाएगा। अब ये आंखों में आंखें डाल के सीधा छक्का है। अब आज की इस मुहज़्ज़ब दुनिया में ना उस दुनिया में एक अखलाकी जवाब था, लेकिन इसके पीछे 13 साल का मक्की जवाब मौजूद है, पूरा 50 मिनट का क्लिप है, उसका एक जूस है कि जब कोई बंदा जिद पे उतरता है तो एंड पे फिर उसको तुर्की बतुर्की जवाब देने के लिए ऐसे किया जाता है। तो एक बंदा सामने कितनी बड़ी दाढ़ी पैंट शर्ट पहनी हुई, अब्दी साहब ये देख रहे हैं ये आपकी वजह से, अब्दी साहब को वो हातिब करके कह रहे हैं कि ये जो दाढ़ी मेरी देख रहे हैं ये आपकी वजह से है, बड़ा हैरान हुआ। कहते मैं तो बिल्कुल दीन से बरगश्ता था, आपको सुना खुदा का कॉन्सेप्ट है, मैंने आस्ता आस्ता इस्लाम को स्टडी किया, अब मैंने दाढ़ी, गांधी साहब ने दाढ़ी नहीं रखी, उसने पूरी इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई और वो कह रहे हैं आपकी वजह से। आप कर सकते हैं रोजमर्रा जिंदगी में होने वाले मसाइल पर सवाल दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर 0334805081। शिया सुन्नी और सेक्युलर एक्टिविटीज से रिलेटेड सवाल ना हो रखते हैं और इस प्रोग्राम में इसको जो है शामिल करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد۔ یہ کیسے ملا؟ جی الحمدللہ بس نہیں یہ یعنی جس اس کو کوئی نقصان ہو جائے گا اتنی تکلیف اسے دی جا سکتی ہے، لیکن یہ سب کچھ عدالت کے تھرو آپ قانون ہاتھ میں اور فرقوں کی دکانیں بند دا ڈیمیج ڈن रिलेट कर पाते हैं इनके साथ, बट व्हाट आई फील इज कि दिस इज वन पर्सन जिसने इस्लाम के लिए बहुत काम किया है एंड ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड आई फील लोग इनको सुन रहे हैं एंड पीपल आर कमिंग बैक टू देयर रूट्स, वो वापस आ रहे हैं अपने रिलीजन की तरफ, अपने दीन की तरफ, एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी देन है टू द रिलीजन इस्लाम। एंड ऐसे स्कॉलर्स को, ऐसे जेम्स को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। येस, यू कैन अग्री टू डिसअग्री विद सच पीपल, कुछ उनके स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। देखो, आई हैव नो नॉलेज टू डिबेट ऑन सच थिंग्स,
बट ऑल आई कैन से कि अगर आपका आप किसी का व्यू पॉइंट नहीं आप समझते हो या आपको लॉजिकल नहीं लगता है तो यू कैन ऑलवेज अग्री टू डिसअग्री बट अप्रिशिएटिंग सच अ पर्सन हुज डन वंडर्स फॉर योर रिलीजन इज समथिंग दैट वन शुड कंसिडर सो गाइस दिस इज माय रिएक्शन आई रियली होप दैट यू लाइक इट दिस इज सिद्धू ब्लॉग साइनिंग ऑफ आई लव यू